पानी। पूरा विश्व पानी की समस्या से जूझ रहा है, पर हर कोई इसका मोल नहीं समझता। इसकी सही कीमत तो वही समझते हैं जो बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में बुलढाणा के लोग। वहां पानी बहता तो है, पर सबकी आंखों से। एक अंडा पाण्यासाठी 5-5 किलोमीटर पायी जावं लागते, पाणी आणावं लागते, किती कठीण परिस्थिती। सगळी लोक कोरड पडली, पाणीच नाही, शेतातल्या विहिरीत पाणी नाही, कर्ज काढून बियाणे आणले, पाणीच नाही, गुरंढोरंही विकावं लागली, प्यायलेच पाणी नाही, 3-3, 4-4 मोटी टाकून सुद्धा पाणी निघत नाही। नळाला पाणी 20 दिवसातून एकदा येत आहे, पाणी मिळत नाही। 50 फूट मुलांना विहिरीत उतरून पाणी काढावं लागते, किती कठीण परिस्थिती आहे। काय करणार, जगायचं तर आहेच ना। आम्हाला दुष्काळानं घेरलं। पाणी की समस्या किसी एक की नहीं, पर जिनका जीवन ही खेती पर निर्भर हो उनके दुख का तो कोई अंत ही नहीं था। जो सूखे की चपेट में आए उनमें से बहुतों ने आत्महत्या की। इरेटिक रेनफॉल है, डैम्स तो थे, सारे डैम्स में सिल्ट बहुत जमा हुई थी। सिल्ट पूरी की पूरी अगर हम निकाल सकें तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और जितनी भी बारिश होती है वो पानी स्टोर हो जाएगा। कास्तकारों की आत्महत्या कैसे कम करें, ये सोचते सोचते मेरे दिमाग में मेरे पूर्वानुभव से शांतिलाल जी और बीजेएस का एकदम से ख्याल आया। 2013 में बीजेएस ने दुष्काल प्रभावित बीड़ जिले से शुरुआत की, जिसमें 117 तालाबों में डी सिल्टिंग कर उनका पुनर्जीवन किया। इस सफलता के बाद बीजेएस ने पानी फाउंडेशन के साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाया। महाराष्ट्र में 2013 से पानी का संकट बढ़ते जा रहा है। हमको पीने का पानी रेलवे से लेके जाना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर। हमने 13-14-15 में कई गांवों में काम किया। जब 2015 में फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ जब बातचीत हमने की, हमने 24 डिस्ट्रिक्ट्स के 75 तहसील में ये काम करने का निर्णय लिया। जब बुलढाणा के तत्कालीन कलेक्टर पुलकुनवार जी का मुझे फोन आया, उसके बाद में हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी फडणवीस जी से बात की कि क्या हम बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट को वाटर सफिशियंट बना सकते हैं क्या। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कंसेंट दिया, एक्सेप्टेंस दिया, तो हमने बुलढाणा जाके कलेक्टर और उनके ऑफिशियल से बात की, लोक प्रतिनिधि से बात की, जनता से बात की, और हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हम एक नया जलयज्ञ शुरू करेंगे। शांतिलाल जी इस विनम्र प्रयास में यथासंभव सहायता पाने की आशा में कई संबंधित लोगों से मिले। गांव-गांव जाकर सभी को प्रशिक्षित किया, सभी को विश्वास दिलाया कि यह काम सचमुच होने वाला है। उनके प्रस्ताव पर सबसे पहले कदम बढ़ाया टाटा ट्रस्ट ने, जिनकी मदद से शांतिलाल जी 134 जेसीबी मशीन्स बुलढाणा में लाए। वहां से आरंभ हुआ एक नए अध्याय का, बुलढाणा के उन्नति का। सरकार ने तुरंत ईंधन का प्रबंध किया और बीजेएस ने किसानों को हरी भरी उपजाऊ जमीन का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। उपाय सरल था, जलाशयों से सिल्ट खोदना और उस सिल्ट को बंजर खेतों में ले जाना, उन्हें उपजाऊ बनाने के लिए। गांव के हर किसान ने अपने कदम बढ़ाए एक उज्जवल जीवन की ओर और सुजलाम सुफलाम की ओर। भला तो होना ही था, वर्षा का आगमन हुआ और चारों ओर बस खुशी की लहर छा गई, सबकी मेहनत रंग लाई।
बुल्ढाना के घर घर में देखने को मिलेगा। जो कठिन समय था वो अब बीत चुका है, कभी ना लौटने के लिए, क्योंकि बीजेएस और प्रशासन ने यहां हरित क्रांति की बीज जो बोया है, अब तो सब मंगल ही होगा। घरी करमत नाही, शेतातच स्फूर्तीत पाण्यामुळे असा आनंद आनंद आहे आम्हाला पाण्यामुळे। आधी काहीच नव्हतं, जसं पाणी आलं तसं दुप्पट उत्पन्न घेतो। तर जनावरांना भरपूर पाणी आहे, आम्ही जनावर विकत नाही। बीजेच्या कामामुळं आमच्या परिवारावर तर आहेच, पण पूर्ण गावावर बी चांगले दिवस आलेत आणि इथून पुढे चांगले येणार आहेत, यामुळे आम्ही आनंदी आहोत, आभारी आहोत। त्याच्यामुळे आज सर्व गावामध्ये खुशी आणि सर्व लोक अडचणीचे दूर गेले। आता पाणीच पाणी, ते गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार झालेलं आहे, त्यामुळे शेतीचंही उत्पन्न चांगलं वाढलेलं आहे। बघून घ्या किती चांगलं पीक आहे, याच्या पहिले कधीच चांगलं नव्हतं। पहिले एक पीक घेत होतो, आता तीन पिकं घेऊन राहिलो। धरणाची पाणी क्षमता जी 40% होती ती 90% परिपूर्णत्वास आली, त्यामध्ये त्यांचं लक्षणीय उत्पन्नात वाढ झाली। त्यांची मुलंही बाहेर गावी चांगल्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत। देवासारखे धावून बीजेएस आलं आणि रात्रंदिवस त्यांनी मेहनत घेऊन आमच्या गावाला जे 4-4.5 महिने त्यांनी काम केलं, त्यामुळेच आज गाव हे सुजलाम सुफलाम झालेलं आहे। आता घरात नळीत गाळ काढल्यामुळं फायदा झाला। पाणी आल्याने गायला कुठं जायचं काम नाही। गावाला पाणी आहे, जनावरांना पाणी आहे आणि आता सगळं सुजलाम सुफलाम। मुझे विश्वास आहे की भारतीय जैन संघटन के साथ हाथ मिलाकर हम जरूर समाज में परिवर्तन ला सकेंगे। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले को बीजेएस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर वाटर सफिशिएंट जिला बनाया है। जल आत्मनिर्भरता को लेकर किया गया यह प्रयोग अपने आप में एक मिसाल है। यह मॉडल बुलढाणा जिले में जिस तरह कारगर और सफल हुआ, वह देश के बाकी हिस्सों के लिए भी प्रेरक और अनुकरणीय है। ज्या प्रकारचं काम बीजेएस ने सुरू केला आहे आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आणि मंचावर बसलेले सर्व पक्षाचे नेते याच्यामध्ये सहकार्य करतात, या सगळ्यांच्या सहकार्यातून निश्चितपणे आपण दुष्काळ मुक्त आणि जल परिपूर्ण करू आणि त्याकरता राज्य शासनाच्या वतीनं आपल्याला जी काही मदत लागेल ती आम्ही देऊ। राज्य शासनाच्या योजनांचा कन्वर्जन्स करून देऊ। मागेल त्याला क्षेत्राची योजना असेल, जलयुक्त शिवारची योजना असेल, एनआरईजीएसची योजना असेल, या सगळ्या योजना एकत्रितपणे राबवून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात काम करून शेतकऱ्यांना कसं समृद्ध करता येईल हा प्रयत्न करू। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीजेएस महाराष्ट्र के अपने सफल प्रयोग को केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से अब 13 प्रदेशों में लेकर जाने वाली है। इस तरह से देश के 100 जिलों को जल आत्मनिर्भर जिले बनाने में मदद मिलेगी। जब महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में खुशहाली आई, सुजलाम सुफलाम बना, तो जिसकी चर्चा हुई, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस जी और शरद पवार जी ने हमें इसको महाराष्ट्र के 4 और डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के लिए सहयोग किया। नीति आयोग ने कर्नाटका के 2 डिस्ट्रिक्ट में इसको स्केल किया। इसके बाद ये पता चला कि ये मॉडल सब तरफ रेप्लिकेट हो सकता है, इसकी प्रोसेसेस तैयार है, SOPs तैयार है, तो इसके आधार पर केंद्र शासन, जल शक्ति मिनिस्ट्री, पंचायत राज मिनिस्ट्री, हम सब लोगों ने साथ में मिलकर क्या ये मॉडल 100 डिस्ट्रिक्ट में हम प्रशासन को सहयोग कर सकते हैं क्या, इस विषय में सोचा गया। मुझे विश्वास है 100 डिस्ट्रिक्ट ये एक से नहीं होता है, ये हम सब से होगा। हम जैन समाज के सभी 100 डिस्ट्रिक्ट के लोग एक आकर मिशन मोड पर काम करेंगे, 100 डिस्ट्रिक्ट को वाटर सफिशिएंट करके 3 साल में बताएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए हम रात दिन की मेहनत करके वो काम करने का प्रयास करेंगे, इसका मुझे विश्वास है।